हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आज मैं एक ऐसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो मेरे को काफ़ी पर्सनल फेवरेट है। मुझे वैसे तो सेडान का शौक नहीं है, लेकिन जो कंसीडर करें इसको इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी ने ग्राउंड क्लियरेंस एक एसयूवी वाली कंपेयर्ड एसयूवी वाली दे दी है, इसलिए इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए। काफ़ी अच्छे इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएंगे आपको अगर आप शोरूम पर जाकर विजिट करेंगे तो। बाकी मैं एक्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता डिस्काउंट कितना है, लेकिन आपको पता है कि अब जो साल है थोड़ा सा खत्म होने वाला है, कहीं ना कहीं कंपनी डिस्काउंट निकाल रही है। और स्कॉडा बहुत अच्छी गाड़ी है। स्कॉडा की बात करें, सलावी का बिल्कुल बेसिक वेरियंट, वो है क्लासिक के नाम से आता है। पहले बात करते हैं कौन कौन से इंजन कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 7 कलर मिलेंगे आपको इसके अंदर, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, क्रिस्टल ब्लू, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, टॉर्नेडो रेड और कैंडी व्हाइट। मेरे जो पर्सनल फेवरेट है यार, मुझे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है। व्हाइट और रेड, अगर मैं किसी गाड़ी का रेड चूज करूंगा तो भाई वो स्कॉडा सलाविया करूंगा, लेकिन जो स्कॉडा की क्वालिटी है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता। मैं कलर की बात कर रहा हूँ, जो उनका शाइनिंग कलर रेड, आप कभी देखना है शोरूम में जाकर विजिट करना, उसके अकॉर्डिंग बात करें। अब बात करते हैं कि 0 to 100 कितना में कर लेती है, तो 11.37 सेकंड्स में कर लेती है। सिटी का एवरेज जो इन्होंने बताया वो 15 का एवरेज बताया है, लेकिन 1.21 लीटर इंजन है बेसिकली इसका, तो देखते हैं कि क्या एवरेज रहता है, उसको मैं आपको खुद टेस्ट करके बताऊंगा। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 3 सिलेंडर इंजन है, 1 लीटर के नाम से आता है, 990 सीसी में। पेट्रोल में अवेलेबल है, सिर्फ 114 bhp निकालता है इंजन 178 Nm टॉर्क के साथ। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, मैनुअल 6 गियर्स में अवेलेबल है। आप कंसीडर करें 6 गियर, कोई भी नहीं देता बेस वेरिएंट में, और आजकल 6 गियर कंपनियां खत्म कर रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन 6 गियर का फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे मिलता है, बहुत अच्छी बात रहती है वो, और एवरेज में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। BS6 फेस टू कंप्लाइंस है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm, व्हील बेस 2651 mm, हाइट 1507 mm, विड्थ 1752 mm, लेंथ 4445 mm, ठीक है। तो सबसे बड़ी अब बात करते हैं 5 door 5 seating कैपेसिटी 2 rows के साथ है। बूट स्पेस की बात करें तो 521 liters, फ्यूल टैंक 45 liters, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएंगे, स्टील रिम मिल जाते हैं आपको, स्पेयर भी आपको स्टील मिलता है। टायर साइज की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो 195/65 R16 यानी 15 इंची की प्रोफाइल दी गई है। सिंगल भी 80 किलोमीटर पर, कंटिन्यू भी 120 किलोमीटर पर। एन कैप की बात कर लेते हैं, भाई 5-star रेटिंग गाड़ी है, मजाक नहीं है कोई, ठीक है। और सेफ्टी आज की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, चाहे 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही। रियर मिडल 3-seat सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मुझे लगता है एक ऐसा फीचर है जो कंपनी को स्टैंडर्ड कर देना चाहिए, वरना इसके बिना कुछ लोग नहीं चेक करते, फिर बाद में इशू आता है, गाड़ी का टायर ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे तमाम सेफ्टी फीचर गाड़ी में दे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं और कुछ फीचर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑटोमेटिक आपको गाड़ी के अंदर मतलब जो की है वो ऑटोमेटिक वाली मिलती है, ठीक है, मैनुअल वाला सिस्टम नहीं है। एयर कंडीशन इसमें मैनुअल आता है। बाकी से फ्रंट्स में AC है, रियर में AC आपको नहीं मिलेंगे, AC तो अभी से हीटर देखने को मिल जाएगा। वैनिटी मीटर सिर्फ उसे को ड्राइवर को मिलेंगे। रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स है, कैमरा वगैरह नहीं है, और हेडलाइट एंड इग्निशन एंड रिमाइंडर, स्टीयरिंग में टेल टेलीस्कोपिक दोनों का एडजस्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। बाकी जो ड्राइवर से जो सीट है वो 8-way मैनुअल एडजस्ट आप कर पाएंगे, रियर सीट को 2-way। सीट बॉक्स में फैब्रिक का समझ के अंदर किया गया है, ब्लैक कलर में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा इसका। हेडरेस की बात करें तो भाई फ्रंट एंड दोनों में, चाहे बेस फ्रंट है तब भी। बाकी कप होल्डर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं इसमें। ORV के बॉडी गार्ड में आ जाते हैं, ORV में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इंटरनली एडजस्टेबल है, लेकिन फोल्डेबल नहीं, मैनुअली आपको करने पड़ेंगे। एक और फीचर, रियर डिफॉगर। रियर डिफॉगर बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है, बाकी टर्न इंडिकेटर आपके ORV पे आ जाते हैं। और रियर डिफॉगर का बहुत बड़ा फायदा है भाई सर्दियों में, यार अगर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी है, तो उसमें रियर डिफॉगर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पीछे के बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं इस फीचर को भी कंपनी को स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक ट्रेल के लिए रिलीज मिल जाता है आपको, बॉडी कलर बम्पर मिलते हैं। लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं तो हेडलाइट में हैलोजन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। टेल लाइट में LED, DRL में भी LED, बेस वेरिएंट से भी LED आपको मिल रही है, वो भी DRL में, ठीक है। कैबल लैंप्स फ्रंट एंड रियर दोनों में, हेडलाइट है, रजिस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो कंप्लीट एनालॉग है, जिसमें एनालॉग जिसमें एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, गियर इंडिकेटर सब कुछ आता है। अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की। आप सोच रहे होंगे कि यार कंपनी बेस फ्रंट में कहां से दे देगी म्यूजिक सिस्टम, भाई ऐसा नहीं है। 7 इंच की टचस्क्रीन दे गई है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का भी वायर आता है, ठीक है, जिसमें कि 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड, GPS, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, USB और iPod कंपैटिबिलिटी, ये सब कुछ मिलता है आपको। आप कंसीडर करें इस गाड़ी को, 1,00,000 किलोमीटर तक की और 4 साल की वारंटी आपको कंप्लीट गाड़ी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इस बेसिक वेरिएंट में आपको इतना सब कुछ मिल गया, क्या कंपनी इसका प्राइस दे रही है। ऑन रोड डेली का मेरी एरिया का प्राइस है 12,47,000। अगर आप इसको डिस्काउंट में मिलेंगे तो अराउंड 12 लाख में आपको गाड़ी मिल रही है। मुझे नहीं लगता आपको वेट करना चाहिए, इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, गाड़ी अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।